Good morning everyone. Student, today we will take last exercise of chapter number 5. The exercise is pronunciation. Student, aaj hum chapter number 5 ki last exercise karenge, pronunciation. This exercise given on page number 41. Read the words aloud in the two columns. Student, आपको यहाँ पर two columns given है. आपको जो words दिए गए यहाँ पर आपको उन्हें read करना है. Note the difference in the th sound. जो यहाँ पर words given है वो आपके th sound वाले word हैं. आपको उनमें क्या difference है ये देखना है. Find two words for each th sound from the story and write in the blanks given below in each column. आपको यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर आपको two two blanks given है. तो आपको th वाले sound वाले words आपने story सभी ने read करी है. तो आपको story में से find कर यहाँ पर write करने हैं. पहले हम ये देखते हैं कि इन दोनों में जो यहाँ पे words given है two अलग अलग columns में इनमें क्या difference है. अब देखिए thin thin. जब हम ये वाले words बोलते हैं THREE, TH के sound में यहाँ पर थे का यूज हो रहा है. यानी जब आप THIN thin बोलेंगे तो जब बोल के देखिए थे क्या रहा है thin, थे का sound आ रहा है. THREE किसका sound आ रहा है थे का sound आ रहा है. अब देखिए ये वाले words बोल के देखिए THE the, THEN then. जब हम ये वाले words बोलते हैं TH तो इसमें किसका sound आता है दे का sound आता है. THERE there. तो किसका साउंड आ रहा है दे का साउंड आ रहा है. इन वाले वर्ड्स में यानी कि लेटर वही है TH लेकिन डिफरेंस क्या है थे और दे का. अब आपको मेरे साथ इन वर्ड्स को रीड करना है. THIN thin, THIN thin, THREE, THREE, MOUTH mouth, MOUTH mouth, THIRSTY thirsty, THIRSTY thirsty. अब हमें जो हमारा स्टोरी हमारी स्टोरी है उसमें से भी हमें टू वर्ड फाइंड करके यहाँ पे लिखने हैं. तो जो आप नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे जो आपकी बुक में गिवन है THIN के think, THIN के think. और एक वर्ड जो आपकी बुक में आया है WARMTH warmth, WARMTH warmth. तो ये वाले सर जब आप वर्ड्स को बोल रहे हैं तो इसमें आपको किसका साउंड नजर आ रहा है थ का साउंड. अब हम करते हैं द साउंड वाले THE the, THE the, THEN then, THEN then, THERE there, THERE there, THIS this, THIS this. अब हमें बुक में से फाइंड करके लिखने हैं. तो आप नेक्स्ट वर्ड है जो आपकी बुक में गिवन है THATE that, THATE that. और जो आपकी बुक में एक और वर्ड गिवन है THEY दे, THEY दे. जो ये सारे वर्ड्स है इसमें किसका साउंड आ रहा है दे का साउंड आ रहा है. इन सभी वर्ड्स में थे का साउंड आ रहा है जब आप इन वर्ड्स को बोल रहे हैं और जब आप ये वाले वर्ड्स बोल रहे हैं तो इसमें दे का साउंड आ रहा है. स्टूडेंट आपको जो ये यहाँ पर ये टू टू वर्ड्स गिवन है ये आपको अपनी बुक में फिल करने हैं और इनको बोल के देखना है जिससे आपको इन दोनों में डिफरेंस का पता चले. थैंक यू एंड स्टे एट होम.